गवर्नमेंट आईटीओटी इलेक्ट्रीशियन जोधपुर के हम छात्र हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है सिंगल पेज ट्रांसफार्मर की लो हानियाँ ज्ञात करना। सिंगल पेज जो ट्रांसफार्मर की लो हानि होती है वो ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। मोटर ट्रांसफार्मर है, एमीटर है, वाट मीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक सिंगल केवीए का हमारे पास ट्रांसफार्मर है। और इसकी जो मानक वोल्टेज होगी, हमारा जो इनपुट जो सप्लाई देंगे हम 50 लाइन में देंगे और उसको हम 100 वोल्ट पर हम उसको रखेंगे। और ये हमारे डायग्राम में पूरा है ओपन सर्किट टेस्ट का लो हानि ज्ञात करने का। हमारा प्रैक्टिकल है आयरन लॉस ज्ञात करना, मतलब ओपन सर्किट के दौरान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे पास सिंगल केवीए का ट्रांसफार्मर है, वाट मीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है और हमारे पास सप्लाई के लिए बोर्ड है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर हमारे कितने वोल्टेज देते हैं हम। तो इसमें हम 100 वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर हम इसको 100 वोल्टेज में हम इनपुट सप्लाई देंगे और जो सप्लाई देंगे हम ऑटो सिंगल केवीए ट्रांसफार्मर के अंदर हम एचटी लाइन में इसके अंदर हम इसकी सप्लाई देते हैं। तो हमारे इसमें वोल्टेज हो गए हमारे 100 वोल्ट हो गई। अब इसके अंदर हम धारा का मान निकालते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा हमारे द्वारा 100 वोल्ट दिए गए और इसके बाद हम इसकी धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसमें हम धारा देखते हैं तो 0.126 एम्पियर हमारे को धारा प्राप्त हो रही है। हमारे द्वारा जो धारा आई गई थी 0.126 एम्पियर है और इसमें हम लॉस निकालते हैं ओपन लॉस सर्किट लॉस के द्वारा आयरन लॉस P बराबर VI। वोल्टेज हमारे पास 100 है और धारा है 0.126, तो इसमें हमारे को लॉस मिलता है टोटल 100 वोल्ट हमें वोल्ट मीटर से प्राप्त हुए और एमीटर से हमें 0.126 एम्पियर धारा प्राप्त हुई। तो हम इसको जब इसकी गणना करते हैं तो 100 वोल्ट मीटर इंटू 0.126 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 12.6 वाट हमारा आयरन लॉस हमें प्राप्त होता है। और ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है ताम्रहानिक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं जिसके द्वारा हमने 12